मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। मुर्मू ने संसद भवन में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में नामांकन भरा। नामांकन के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। नामांकन के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी इस नामांकन में मौजूद रहे। वहीं दिल्ली में नामांकन भरा गया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ साथ अन्य बड़े नेता नामांकन में मौजूद रहे। दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जगन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस नामांकन के दौरान मौजूद रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक आगे 2024 के चुनाव को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू के नाम को सामने लाया था। वहीं पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी इस नामांकन में मौजूद रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज जो नामांकन प्रक्रिया थी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार की, क्या कुछ प्रक्रिया रही? जी, पिछला आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इस मौके पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू दल एवं वाईएसआर यानी कि वाईएसआर कांग्रेस जो है, जो आंध्र प्रदेश में है, उसका भी समर्थन मिला है। वहीं आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू ने यानी कि एनडीए की उम्मीदवार ने आज चार सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया है और पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, चाहे बात की जाए तो बिहार के आपके रामविलास पासवान के भाई पशुपति नाथ पारस और बिहार की डिप्टी पीएम रेणु देवी, साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रस्तावक रहे। और नामांकन दाखिल करने से पहले आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले जाकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर फूल चढ़ाए, साथ ही आपको बताएं कि बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पे भी फूल चढ़ाए। वहीं जो आदिवासी समुदाय के मसीहा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के भी जो संसद के अंदर में प्रतिमा है उसमें भी फूल चढ़ाकर उनका स्वागत किया गया, उनको याद किया गया। वहीं आपको बता दें कि नामांकन की जो तिथि है वो 29 जुलाई है, यानी कि 29 जुलाई से पहले जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आज एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का नामांकन हो चुका है।
वहीं आपको बताएं कि जो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से विपक्षी दलों को भी फोन करके और समर्थन मांगा गया है। सबसे पहले वो ममता बनर्जी को फोन करती, यानी कि बंगाल के मुख्यमंत्री को फोन करके समर्थन मांगती है। वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि महाराष्ट्र शरद पवार की पार्टी से भी समर्थन उन्होंने मांगा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की प्रमुख सोनिया गांधी को भी फोन कर समर्थन मांगा है। और वहीं आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए जो भाजपा के घटक दल है उनके अलावा जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे बात की जाए ओडिशा के बीजू दल के नेता नवीन पटनायक, तो वो देश के अंदर नहीं है, अभी बाहर गए हुए हैं। तो उनकी पार्टी के दो कैबिनेट मंत्री उनके आज के जब नॉमिनेशन था वहां मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से भी समर्थन किया गया है। वहीं आरएसएस की एक विंग भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भी समर्थन किया है। वहीं बिहार की आवामी मोर्चा ने समर्थन किया। वहीं एलजीपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में हो रहा है, जब अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सामने आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों द्वारा हो रहे प्रदर्शन का आग तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन आज प्रदेश में कुछ जनपदों में किसानों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जिनमें बुलंदशहर और फर्रुखाबाद शामिल है। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा है और अग्निपथ योजना वापस लो के नारे भी लगाए हैं। संवाददाता सुंदरम इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरम, अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन था वो किस प्रकार का रहा फर्रुखाबाद में? जी बताना चाहूंगा कि अग्निपथ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किसानों का संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रस्तावित था, उसको लेकर यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन टिकेत गुट के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि वो मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, वहां पर डीएम को राष्ट्रपति के नाम अग्निवीर के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो सुबह सवेरे से ही उनके नेकपो 84 स्थित घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। खुद फतेहगढ़ कोतवाल के नेतृत्व में भारी मात्रा में फोर्स उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई। लेकिन फिर भी जो किसान नेता प्रभाकांत मिश्रा अपने जो के साथ जाने के लिए आतुर नजर आए और वहां पर जो पुलिसकर्मी उनसे उनकी झड़प भी होती रही, इस दौरान तीखी नोकझोंक हुई और वहीं पर किसी पुलिसकर्मी के द्वारा प्रभाकांत मिश्रा जो को धक्का दे दिया गया जिससे वहां पर गिर गए, जिसके बाद वहां पर किसान आग बबूला हो गए। वहां पर माहौल जो है वो कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही गहमा गहमी वाला हो गया और वहां पर जो किसान थे वो जमीन पे ही वहीं पर धरने पे बैठ गए। फिर जब ये जानकारी जिला प्रशासन को मिली कि किसान नेता वहां पर घर के बाहर ही प्रभाकांत मिश्रा के घर के बाहर ही धरने पर बैठ चुके हैं, तो मौके पर वहां पर एडीएम पहुंचते हैं, सीओ सिटी पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी जो किसान नेता वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम जो ज्ञापन देंगे वो सिर्फ और सिर्फ डीएम फर्रुखाबाद को ही देंगे, कलेक्ट्रेट में चल के ही देंगे। लेकिन वहां पर जो एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति उनकी सूझबूझ वहां पर काम आती है और उन्होंने किसान नेताओं को शांतिपूर्ण तरीके से समझाया और काफी मान मनोबल के बाद वहां पर किसान नेता माने और वहां पर वहीं पर घर के बाहर ही जो किसान नेता है उन्होंने ज्ञापन दिया, एडीएम को अपनी जो मांगे थी उनको बताया और राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन दिया। यहां पर जमकर बवाल हुआ कहीं ना कहीं, और कह सकते हैं कि अगर एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति की सूझबूझ काम ना आती तो किसी भी बड़ी घटना होने की वहां पर या अप्रिय जो घटना होने की भी आशा नजर आते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद में जो भारतीय किसान यूनियन है उसके भी जो पदाधिकारी व जो कार्यकर्ता है वो भी बड़ी संख्या में हैं और कहीं ना कहीं, और वो निरंतर हर महीने के दूसरे तीसरे हफ्ते में कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। चाहे जनपद में कोई भी किसानों से जुड़ी समस्या हो, कलेक्ट्रेट घेराव तो आप समझ लीजिए कि फर्रुखाबाद में हर महीने एक बार होता ही होता है, और जब किसान नेता के धक्का मार दिया जाता है उनके साथ ही अभद्रता कहीं कहीं हो जाती है तो बड़ी तरीके से धरना प्रदर्शन होने की आशा नजर आए। लेकिन वहां पर एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति के द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए मामले को रफा दफा किया गया और ज्ञापन दिया गया। वहीं फर्रुखाबाद में एक जगह और भी ज्ञापन दिया गया, भारतीय किसान यूनियन टिकेत गुट के ही जिलाध्यक्ष के द्वारा वहां पर नवाबगंज में ज्ञापन दिया गया, वहां पर जो तहसीलदार सदर है उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया। कहीं कह सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो अपील की गई थी कि अग्निवीर के विरोध में जो किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया जाए, किसान नेताओं के द्वारा ज्ञापन दिया जाए, फर्रुखाबाद में दो जगह ज्ञापन देने का कार्यक्रम देखा गया, जहां पर जो मुख्य नजर रही वो फर्रुखाबाद में शहर में रखी, जहां पर 84 में मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के द्वारा ज्ञापन दिया गया और स्वयं उनके घर पर आकर एडीएम ने ज्ञापन लिया। सुंदरम, जो युवा है फर्रुखाबाद के, उनका कितना समर्थन है किसान यूनियन के नेताओं को, युवाओं का क्या कहना है? क्योंकि जो युवा है वही अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं में जाएंगे, वही अग्निवीर है, उनको कितना समर्थन दे रहे हैं युवा?
जी बताना चाहूंगा कि जब वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था या जब ज्ञापन दिया जा रहा था तो वहां पर जो लोग दिख रहे थे वो 35 से 40 साल की उम्र के ही दिख रहे थे, युवा नाम मात्र के ही दिख रहे थे। कहीं कह सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो आज प्रदर्शन फरुखाबाद में हुआ है वहां पर युवाओं का जो समर्थन है मात्र ऐसा लगता है कि 100 में से मात्र 5 से 10% युवाओं का समर्थन मिला है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण के से ही वहां पर ज्ञापन नजर आया। कहीं कहीं युवाओं का जो समर्थन है बहुत ही नाम मात्र का मिला है यहाँ पर। जी सुंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जनपद लखीमपुर खीरी में शिक्षा विभाग की बड़ी शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर प्रधानाध्यापक के दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र की पिटाई की, बच्चों के सामने ही शिक्षा मित्र की जूते से पिटाई कर दी गई। महिला शिक्षा मित्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामले महिला शिक्षा ने पुलिस को सूचना दी, शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें ये पूरा मामला लागुचा के पास खेड़ा विद्यालय का है। बच्चों के सामने जिस तरह की ये कृत्य किए गए हैं प्रधानाध्यापक के द्वारा, शिक्षा मित्र की जूतों से पिटाई की गई है। कहीं ना प्रधानाध्यापक दबंगई दिखाते हुए महिला शिक्षा मित्र की जूतों से पिटाई करते हुए नजर आए। फिलहाल महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही संवाददाता धीरज तिवारी लखीमपुर खीरी पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जो प्रधानाध्यापक के दबंगई का वीडियो सामने आया है, किन कारणों की वजह से शिक्षा मित्र की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं? महबूब खेड़ा गांव का मामला है, जहां पर एक शिक्षिका 10 मिनट लेट पहुंचती है विद्यालय, तो उसको लेकर जो प्रधानाध्यापक अजीत सिंह है वो भड़क गए कि खुद जूते पहने तो जूता निकाल करके जो शिक्षिका पर जूता बरसाने लगे। तो ये एक शिक्षा का मंदिर बोला जाता है विद्यालय, जहाँ पर शिक्षा जैसे मंदिर में ये एक घिनौना दृश्य सामने आया, जहाँ पर एक शिक्षिका को जूतों से पीटा जाता है। उसके बाद में जो है गेट के दरवाजे पर लिखा हुआ होता है बाकायदा की शिक्षार्थ आइए, सेवा से जाइए। तो ये एक घिनौना चेहरा सामने आया। तो वहीं पर उसके बाद में जो इस मामले को संज्ञान लेते हैं बीएसए के द्वारा जो है सस्पेंड भी किया गया है। उसके बाद में जो शिक्षिका है सीमा देवी ने खीरी थाना क्षेत्र में तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद में पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो शिक्षक उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब आगे किस तरह की कार्यवाही की जाएगी इस मामले पर, जो बच्चे है उनपे क्या कुछ बुरा इफेक्ट इसका पड़ा होगा? धीरज देखिए बिल्कुल शिक्षा विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जिस तरीके से शिक्षा का मंदिर। धीरज मैं आपको रोकना चाहूंगी, लखीमपुर खीरी से बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरह से ये कृत्य प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है बच्चों के सामने, किस तरह का इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा और आगे किस तरह की कार्रवाई प्रधानाध्यापक पर की जाएगी? नहीं, उनको इस कृत्य के लिए निलंबित कर दिया गया है और दूरस्थ विद्यालय में अटैच किया गया है, और यदि आवश्यक होगा तो उनके खिलाफ भविष्य में और भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ बच्चों से मिलने के लिए हम और खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं जाएंगे और वहाँ का माहौल बिल्कुल सही कर दिया जाएगा। कल बिल्कुल नॉर्मल ढंग से पढ़ाई होगी वहाँ। क्या प्रधानाध्यापक के चरित्र के बारे में पहले से कोई ज्ञान नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है? एक महिला के साथ एक महिला की पिटाई उन्होंने जूतों से की है, वो भी महिला शिक्षा मित्र की पिटाई की है इन्होंने जूतों से? नहीं, कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई थी, ये घटना अचानक से हुई है और इसमें उनको तुरंत कार्रवाई की गई है और उनको निलंबित कर दिया गया। क्या कुछ पूरा वजह देखा जा रहा है इस घटना के पीछे, क्या बातें निकल करके सामने आई कि उन्होंने इस घटना को क्यों अंजाम दिया? भाई जब सवाल किया गया लखीमपुर के बीएसए से तो जवाब देना जरूरी नहीं समझे। इस तरह का कृत्य जो बच्चों के सामने किया गया है प्रधानाध्यापक द्वारा, हालांकि अब प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जा चुका है।
आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला शिक्षिका की पिटाई का, जूतों से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और बच्चों के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया है। संवाददाता धीरज तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, जिस तरह से बात किया गया वहां के बीएसए से, वो कोई भी जवाब देने से कतरा रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस दबंग प्रधानाध्यापक पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है? प्रशासन से जब तहरीर की गई उसके बाद में कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने नोटिस देकर जो है टीचर को अरेस्ट तो किया, लेकिन जिस तरीके से विद्यालय में ये एक वीडियो वायरल हुआ है, ये घटना सामने आई है, तो एक गुरु का जो दर्जा होता है, जो जिससे बच्चों बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे गुरु को रोज नमस्कार करते हैं, उसके बाद में जो बच्चों के सामने ये गुरु जी ने जो दृश्य किया है, तो इससे बच्चों पर ही बहुत गलत असर पड़ेगा। और अपने स्टाफ के साथ ही जूतों से एक महिला टीचर की पिटाई हुई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही घिनौनी हरकत है और इससे हर उच्च अधिकारी जवाब देने से बिल्कुल कतरा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया धीरज। गाजियाबाद के हाईवे 58 रोड से निकलने वाली रैपिड ट्रेन की लाइन के निर्माण कार्य से हाईवे से सटे 20 से 25 मकान और दुकान जर्जर हो गए हैं, जिससे लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। और इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके मकान और दुकानों में जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाए, और अगर उनका भुगतान नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और रैपिड ट्रेन लाइन का निर्माण कार्य रोक देंगे। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष टिंकू चौधरी दुहाई ने हाईवे से सटे मकान और दुकानों के स्वामियों की आवाज बुलंद की है और स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े टिंकू चौधरी के जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने रैपिड ट्रेन के सिविल इंजीनियर से कई बार बातचीत की और स्थानीय लोगों के नुकसान को लेकर मुआवजे की भी बात की। इसके बाद सिविल इंजीनियर गौरव मल्होत्रा द्वारा स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें 5,50,000 रुपए का चेक भी दिया जाएगा, लेकिन लोगों का आरोप है कि सिविल इंजीनियर द्वारा उन्हें सिंडिकेट बैंक के फर्जी चेक दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रैपिड ट्रेन की लाइन का निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों का कहना है कि ठेकेदारों ने उनका पैसा भी रोक रखा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मकान आगे ऐसा है, 2-3 मकान ऐसे हैं गली में कि जो पहले उनमें ट्रैक्टर भी चले जा सकते थे, गाड़ी भी जाती थी, साथ में ट्रक भी जाता था, लेकिन इनका पिलर उसके मकान के सामने है, अब सिवाय बाइक जा सकती है उसमें। उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि सब लोगों ने सपोर्ट किया, इनका काम नहीं रोका। ये जब हमारा विरोध था तब ये नीचे था और आज ये नीचे से ऊपर इतना ज़्यादा खड़ा हो गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अब इसके मात्र इनके 2 महीने में सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कहाँ ये किसान कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इनका तो ऑफिस बंद हो जाएगा या काम खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे उसके बाद में, कोई सुनवाई तो करेगा नहीं। तो हमारा ये कुल मिलाकर के आपको आश्वासन ही मिल रहा है? आश्वासन अब हमारा ये निर्णय है कि काम हम जब यहाँ से जब चलने देंगे तब हमारा मतलब पैसे मिल जाएंगे सभी लोगों को, जो चेक दिए हैं वो चेक के पैसे मिले। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के दुहाई का पूरा मामला है जहां पर एक रैपिड ट्रेन का निर्माण हो रहा था, काफी समय से निर्माण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो उसके जो पिलर जो खोदे जाते हैं, पिलर में काफी गहराई में वहां पर पिलर खोदे जाते हैं, तो जिसको लेकर जो वहां के जो आसपास के मकान बने हुए थे वो कहीं ना कहीं उस कंपन के जरिए वो मकान में दरार पड़ गई और दरार पड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो झज्जर हालत में हो चुके हैं मकान, जिसको लेकर काफी रोज देखने को मिला वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग वहां पर कार्य करते रहते हैं वहां पर, जो जिनके 20 से 25 मकान है, जो पूरी झज्जर हालत में उनकी जो स्थिति है वो काफी बेकार हो गई, तो इसको लेकर उन्होंने जो है कि सिविल इंजीनियर है उनसे भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि कोई बात नहीं, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 5,50,000 रुपए के चेक भी दिए उन 20-25 घरों को जिन्होंने सिंडिकेट बैंक के चेक थे, जो कि वो कहीं ना कहीं वो बाउंस हो गए और उसमें कहीं वो फर्जी चेक बताए जा रहे हैं उनके निवासियों द्वारा। तो सिविल इंजीनियर साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हमने जो पैसे अमाउंट है वो उनको दे दिया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो किसान नेता है वहाँ के जिला उपाध्यक्ष है टिंकू चौधरी, उन्होंने जो ग्रामवासी है वहाँ के निवासी हैं उनका पूरा समर्थन किया है और खासतौर पे ये बताया है कि अगर ये इनका जो भी भरपाई है, इनके जो निर्माण जो ध्वस्त हो चुके झज्जर क्वालिटी में है, अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग अनिश्चितकाल
धरने पे भी बैठेंगे और भारी मात्रा में यहाँ के जो निवासी हैं, जिन लोगों की जो प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त हुई है, वो लोग भी साथ में उनका समर्थन करेंगे। जी जी, लेकिन प्रवीण, जिन 20 से 25 लोगों के घर जर्जर हुए हैं, कोई भी घटना हो सकती है, घर कमजोर हो गया है कंपन की वजह से, तो कोई भी घटना हो सकती है। और साथ ही साथ जो फर्जी चेक का मामला सामने आया है कि इस बारे में किसी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, किसी उच्च अधिकारी को इससे अवगत कराया गया, फर्जी चेक की जो बात है। जी बिल्कुल, देखिए जो घर है इस समय, घर बड़ी झज्जर क्वालिटी में, क्योंकि पूरे मकान की जो बुनियाद है, जो नींव होती है, नींव तक वहां से दरक गई है, और इसमें बड़ा हादसा होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी जो बरसात का सीजन नहीं, खासतौर पे वो बात की जाए तो बरसात अभी आई नहीं, अगर जैसे ही मानसून आता है और बारिश लगातार कंटिन्यू बरसती है, तो कहीं ना कहीं इन मकानों में ध्वस्तीकरण देखा जा सकता है आने वाले समय में, अगर इस तरह से अगर इनका मुआवजा ना दिया गया हो और अगर इनको पैसा ना दिया जाए तो। तो बात की जाए वहां पर चेक बाउंस की, तो चेक बाउंस को लेकर भी इन लोगों ने जिला अधिकारी से ही बातचीत करी है, और वहां पर जो कई लोगों से इन्होंने बात भी किया, आला अधिकारियों से बातचीत की, कि आखिर सिविल इंजीनियर ने हम लोगों के साथ धोखा किया, और हमारे जो निर्माण जो अभी समय झज्जर क्वालिटी में है उसको लेकर खासतौर पर इन्होंने 5,50,000 रुपए का जो एक चेक दिया गया था, वो चेक भी बाउंस हो गया है, कहीं ना कहीं वो फर्जी चेक बताया जा रहा है। और अगर बात की जाए वहां के जो मजदूर हैं, जो सिविल इंजीनियर का जो वहां पर काम कर रहे हैं रैपिड का, और जो लगातार पिछले कई महीनों से यहां पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी खास तौर पे सिविल इंजीनियर को लेकर काफी रोष सामने देखने को मिला। उनका साफ तौर पे कहना है कि इंजीनियर द्वारा या उनके ठेकेदार द्वारा उनको काफी समय से पैसा नहीं दिया गया, वो गरीब लोग हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी पेमेंट कहीं ना कहीं रोकी जा रही है। खासतौर पे एक धांधलेबाजी जो है इस पूरे रैपिड जो ट्रेन चल रही है इसको लेकर काफी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, इस पे इसको लेकर भी काफी लोग समर्थन में हैं, उन लोगों के साथ भी हैं जो मजदूर हैं वहां जो काम कर रहे हैं, उनके भी सपोर्ट में खड़े हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, आप उस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, और ये जो धांधलेबाजी चल रही है रैपिड ट्रेन को लेकर, इसकी जो खबर है वो उच्च अधिकारी तक जानी चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रवीण। दिनभर की बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो